हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पैरामीटर क्राइटेरिया का यूज हम करेंगे आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, इससे पहले भी बता चुका हूं। आइए एक और बार देखते हैं इसको। तो यहां पे देख सकते हैं कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास पड़े हुए हैं और इन रिकॉर्ड्स में हमें क्या करना है, पैरामीटर क्राइटेरिया का यूज करना है। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक क्वेरी मैंने बना रखी है और ये क्वेरी कुछ इस तरीके की है। आप ऐसे ही पैरामीटर क्राइटेरिया लगा सकते हैं। पहले टेबल को ध्यान से देख लीजिए आप, इसमें रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, सिटी है, स्टेट है। तो अब हमें करना क्या है, क्रिएट पे जाना है और यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाना है और ये ऐड करवा लेना है इस तरीके से। अब इसमें पैरामीटर क्राइटेरिया कैसे यूज करेंगे, तो पहले तो इसको यहां पे लेके आ जाता हूं, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि केवल देवरिया सिटी का ही रिकॉर्ड हमें दिखे, तो आपको यहां पर क्राइटेरिया में जाकर के सिंपली टाइप करना है DEORI। ये सिंपली उसी मीनिंग के साथ, उसी स्पेलिंग के साथ आपको टाइप करना है जो आपने लिखा है यहां पर। तो ये देख सकते हैं यहां पर देवरिया लिखा हुआ है 3-4 बार। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली क्वेरी 2 पर आना है और यहां से व्यू पे क्लिक करना है। तो आपको केवल देवरिया वाली सिटी ही दिखाई पड़ेगी और स्टेट दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप कोई और क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे देवरिया में हटा देता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम, तो ये देखिए यहां पर स्टूडेंट का नाम है और यहाँ पे स्टेट है। तो अगर आप स्टिच करना चाहते हैं इसको, तो यहां पर आपको सिर्फ क्या करना है, सपोज कीजिए कि राजस्थान का देखना है, तो यहां लिख दिया राज बनाया था, इसमें राजस्थान दिया गया है, राजस्थान THN, तो ये राजस्थान दे दिया हमने। अब यहां से इसको सेव कर लीजिए क्वेरी 2 को और अब व्यू पे क्लिक कीजिए, तो आपको राजस्थान वाले सिटीज आपको दिखाई पड़ेंगे। आई होप की बात समझ में आई होगी कि ये पैरामीटर क्राइटेरिया का कैसे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।